नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदा बनी रहे। आज का ये अद्भुत अंक आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने में सक्षम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत अंक। आजकल के रोजमर्रा के जीवन में आप देखेंगे कि हमारे भीतर से संयम समाप्त होता जा रहा है। हमें किसी भी चीज में या प्रक्रिया में परिणाम तुरंत चाहिए होता है। हमारे अंदर से धैर्य और विश्वास कम होता जा रहा है। यहां तक कि जब हम महाराज जी से भी अपनी कोई मन की बात बताते हैं या उनसे कोई प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं तो भी हमें उसका परिणाम तुरंत चाहिए होता है। और अगर परिणाम देर से मिले या फिर महाराज जी ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा हो, यानी कि मन वांछित फल की प्राप्ति ना हो, तब तो कई भक्तों का विश्वास भी डोलने लगता है और कुछ तो दुखी और निराश हो जाते हैं। जबकि महाराज जी ने सदैव यही बात कही है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की और संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि नैतिक विचारधारा ही पर्याप्त होती है। क्योंकि अगर आपके विचार नैतिक हैं, कल्याणकारी हैं, मन में किसी प्रकार की कुटिलता या क्रूरता नहीं है, तो आपका जीवन मंगलमय और कल्याणकारी ही होगा। महाराज जी कहते हैं कि जब हम अपना संयम खोकर क्रोध में आकर या व्याकुल होकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें अनर्थ की ओर ले जाता है, जिससे समाज में हमारा मान तो भंग होता ही है, लेकिन साथ साथ हमें दुर्भाग्य के भी भागीदार बनते हैं। असफलता और निराशा हमें घेर लेती है और हम अंत में सब कुछ ईश्वर पर ही डालकर उन्हीं को कोसने लगते हैं। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जब भी हम फंसते हैं तो हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? ऐसी स्थिति में जब भी आपके जीवन में कोई इस तरह की स्थिति आए तो आप महाराज जी की कही इस बात का जीवन में पालन करें, और वो बात है क्षमा करने की आदत अपनाएं। जी हाँ, जीवन में क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से आप झुक नहीं रहे हैं, आप बस अपना मन साफ रख रहे हैं, बाबा जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि दंड देना या दंड देने का हमें मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। दंड देने का काम केवल ईश्वर का है। ये सृष्टि ईश्वर ने ही तो बनाई है और वही इसे चला भी रहे हैं। तो ईश्वर का कार्य अपने हाथ में लेकर तुम उनके काम में हस्तक्षेप मत करो। इसलिए हम केवल इतना कर सकते हैं कि जो भी हमारे विरोधी हैं उनको हम क्षमा कर दें और न्याय व्यवस्था ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। ऐसा करने का परिणाम ये होगा कि आपका मन हल्का और साफ हो जाएगा। जो भी आपके मन की बात है या तकलीफ है वो ईश्वर तक स्वतः ही पहुंच जाएगी और उसके बाद ईश्वर स्वयं ही आगे का निर्णय लेंगे। आप ये बात कभी ना भूलें कि महाराज जी हमें हमेशा देख रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर हर तरफ हर समय बनी रहती है। क्षमा करना वैसे तो एक कठिन आदत है, मगर आप जब ये आदत अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। आप महाराज जी के करीब होने लगते हैं, समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ महाराज जी की कृपा वर्षा से आपके जीवन में सौभाग्य का भी शुभागमन होता है। क्योंकि महाराज जी के जो भक्त महाराज जी की बात मानते हैं
वो महाराज जी को प्रिय होते हैं। आपका हर काम महाराज जी की कृपा से स्वतः ही बनने लगेगा, सफलता का जीवन में प्रवेश होने लगेगा, क्योंकि अब आप दूसरों का बुरा करने या सोचने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वो सकारात्मक हो चुका है, क्योंकि आपकी सोच सकारात्मक हो चुकी है, और यही सकारात्मकता शुद्ध विचार, नैतिक बुद्धि और महाराज जी का साथ आपको अपने जीवन में सौभाग्यशाली बनाता है, सफल बनाता है। तो क्षमा करने की आदत को अपनाएं, इस आदत को आप अपने जीवन में प्रवेश कराएं, सभी का मान रखें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, तो आपके जीवन में भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होने से, उनका प्रेम पात्र बनने से, उनका कृपा पात्र बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम।